वलसाड़ अब्रामा विस्तार में स्थित एक गटर में से नर कंकाल के मिलते इस विस्तार के निवासियों ने पुलिस को जानकारी देते पुलिस फौरन ही घटनास्थल पर आ पहुंची थी और इस घटना अंतर्गत जांच शुरू की थी। इस घटना अंतर्गत घटनास्थल से मिली जानकारी के अनुसार वलसाड़ शहर के वार्ड नंबर 11 में स्थित अब्रामा वालिया फलिया में एक गटर में से नर कंकाल मिलाया था और इस नर कंकाल की जान इस विस्तार में रहते ग्वाले को होते नगर पालिका के सभ्य जाकिर भाई पठान को की थी और उन्होंने वलसाड़ सिटी पुलिस को इस अंतर्गत जानकारी दी थी। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर जांच शुरू करते गटर से एक काले रंग का पैंट पहना हुआ नर कंकाल मिला था जिसकी उम्र वर्ष लगभग 35 से 40 वर्ष होगी। पुलिस ने इस अंतर्गत आगे की कार्यवाही शुरू की है। पुलिस ने इस घटना अंतर्गत आगे की कार्यवाही शुरू करते FSL को जानकारी दी थी और इस नर कंकाल के मौत का रहस्य जानने आगे की कार्यवाही शुरू की है। इस घटना के बाद स्थल पर वलसाड़ CTPI VD मेरी के सहित पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर आ गए थे। आज रोज सवारे वलसाड़ अब्रामा खाते वालिया फड़ी आवेल छे त्यां पाछळ खनकी छे त्यां अमारा मित्र लक्ष्मण भाई ने फोन आव्यो मारा पर कि अहीं कोई व्यक्तिनी लाश पड़ी छे। एटले मैं DYSP श्री चावड़ा साहेब ने फोन पर आ बाबतनी जाण करी ने वलसाड़ सिटी पुलिसने जाण करी। पुलिस आवी छे अत्यारे तपास करी रही छे। ते पुरुषनुं छे, केटली ઉંમર છે તે તો હવે ફોરેન્સિક રિપોર્ટ ને એ લોકો BM કરે ત્યાં જ ખ્યાલ, આપણને તો ખ્યાલ આવે નહીં। અહીંયા સ્થળ પર આવી ગયા અને પોલીસે જાણ કરી છે, પોલીસ પણ આવી ગઈ છે, પોલીસ એમની રીતે તપાસ કરી રહી છે। दादरा नवनीत इंडस्ट्रियल स्टेट में स्थित संदीप टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के छत पर 12 से 15 रूम बनाए गए हैं जिसमें काफी मात्रा में मजदूर भी रहते हैं। इस कंपनी की छत पर 6 से 8 टॉयलेट भी बनाए गए हैं जिसे दूर से ही देखा जा सकता है। नियम अनुसार इंडस्ट्रीज में निवास स्थान नहीं बना सकते और ना ही इंडस्ट्रीज के अंदर मजदूरों को रखा जा सकता है। संदीप टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन नियमों की खुलकर धज्जियां उड़ा रही है। सारे नियमों को ताक पर रखकर कंपनी में ही बने रूमों में भर भर कर मजदूरों को रखा जाता है। दुर्भाग्यवश अगर कंपनी में कोई बड़ा हादसा हो जाता है या आग लग जाती है तो ऐसी परिस्थिति में ये मजदूर कंपनी की छत से कहां भागेंगे, ऐसे में अपनी जान कैसे बचाएंगे। प्रशासन को ऐसी कंपनी पर जल्द से जल्द उचित कार्यवाही करनी चाहिए। कपराड़ा तहसील के दोधड़कुआ विजय फलिया में मुख्य चार रास्ते पे दो बाइक के बीच एक जबरदस्त दुर्घटना हुई। आज रोज बुधवार को RJ15 बाइक नंबर GJ15BD1771 और प्लेजर मोपेड नंबर GJ15AG1275 के बीच जोरदार टक्कर हो गई थी। इस दुर्घटना में दोनों बाइक सवारों के साथ अन्य एक व्यक्ति भी सवार था। दोनों बाइक चालकों को गंभीर चोटें लगते उन्हें 108 में नाना पोंडा के रेफरल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। वलसाड़ में दिन दहाड़े तीन व्यक्तियों ने नाना ताईवाड़ विस्तार में एक वृद्ध महिला के गले से सोने के आभूषण छीनकर बाइक पर सवार होकर वहां से फरार हो गए थे। इस घटना अंतर्गत आसपास के लोग भी फौरन ही घटनास्थल पर आ पहुंचे थे और चोरी करने वाले चार व्यक्तियों जो कि एक बाइक और एक एक्टिवा पर सवार थे उन्हें पकड़ने का खूब प्रयास किया था। इस घटना अंतर्गत समग्र विस्तार में सनसनी फैल गई है। इस घटना अंतर्गत घटनास्थल से मिली जानकारी के अनुसार वलसाड़ के मुल्लावाड़ी विस्तार में जिग्नेश अपार्टमेंट में रहते 81 वर्षीय वृद्ध महिला शारदा बिन मोहनभाई शाह जो कि आज सुबह जैन देरासर में जा रहे थे और तब बाद वहां से दर्शन कर घर का कुछ सामान लेने के लिए नजदीक में स्थित एक किराना स्टोर पर सामान लेने जा रहे थे। उस दौरान नाना ताईवाड़ के वेदांत अस्पताल के नजदीक एक मोटरसाइकिल और एक मोपेड गाड़ी पर सवार चार व्यक्ति ने उनको वहां पर रोका था और उन्हें बताया कि बीते कल यहां
एक लूट की घटना हुई थी जिससे कि उनके गहने उनके पास सुरक्षित नहीं हैं और इसीलिए शारदा बहन वे गहने उतारकर उनको सौंप दे और उनके पास वे गहने सुरक्षित रहेंगे। ऐसा बताकर शारदा बहन ने भी अपने गले से 2 तोले के सोने की चेन और 5 तोले के सोने की बैंगल्स उतारकर उन्हें दे दी। तब बाद 2 बाइक पर सवार 4 व्यक्तियों ने एक सफ़ेद रंग के कागज़ में कुछ लपेटकर शारदा बहन को देकर वहां से भाग गए थे। शारदा बहन और अनेक राहदारियों ने उनको पकड़ने का खूब प्रयत्न किया मगर वे वहां से फरार होने में सफल रहे। इस घटना अंतर्गत पुलिस को जान करते ही वलसाड सिटी पुलिस फौरन ही घटनास्थल पर आ पहुंची थी और इन 4 व्यक्तियों को पकड़ने की कार्यवाही शुरू कर दी थी। आज पहला हूँ तो अमरजा मंदिर थी आई पे आ लोग दुकान में जाती थोड़ी जो घड़ी घड़ी मे उतरात नहीं दाद अठवाड़िये उतरी आज 14 साथ डेरासरे जाइए हूँ डेरासरे थी हूँ अहूँ आई गया एट्ले सुधी ने मैं पाची बूम पाड़ी ता थी पे बीजे भाई उतार बोलाव तमने पे भाई बोलावे तमने तौर जना था एक जना आवो हता ने तेनी पासे पेला अछोड़ जूठो है के एम के तमे काढ़ी नाखो तो अछोड़ एटले एने काढ़ी ने आता जो बेन एम के हमने काढ़ी नाखो तमे काढ़ी ने मुकी देवे एम के कांदा कई गाड़ी पर आवेला छे कितला तोला सोनो होतो 5 तोला नी मंगड़ी हती 3 तोला नो अछाड़ा 3 तोला पुलिस वाला रात ने भी बनाव बहनो एम के मारियो बेन ने गाड़ा मारू ने लैने जता रहे तब भी काढ़ी अंदर मूक दे मूक तो अँ जॉइन से नहीं काढ़वा मैं कीधु जबरदस्ती काढ़ाई बोले हाँ आप गए अंदर काढ़ी ने के छोड़ा मंगनी बच्चों आम मूक देवा वलसाड़ जिला के पारडी तहसील में 32वां सड़क सुरक्षा माह पुलिस द्वारा मनाया जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप आज रोज बुधवार को पारडी में ट्रैफिक नियमों का पालन करने वाले जो कि हेलमेट पहने हैं ऐसे वाहन चालकों को फूल देकर सम्मानित किया गया जबकि ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों को पुलिस ने अलर्ट किया। साथ ही पारडी पुलिस मथक के PSI BN गोहिल ने बताया कि हर एक वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए बल्कि उसका पालन करना चाहिए और वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए। हेलमेट का पहनना आवश्यक है, सीट बेल्ट जरूर पहने वगैरह नियमों का पालन करना आवश्यक है। ज्यादा में उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी में भी सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार हर एक व्यक्ति को मास्क पहनना जरूरी है। जो भी लोग आज बिना मास्क के दिखेंगे उन्हें आज के दिन दंड वसूली न करते बल्कि मास्क का वितरण किया जाएगा और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए सूचित किया जाएगा। 32वां सड़क सुरक्षा माह 18 जनवरी से 17 फरवरी तक मनाया जाएगा। इस अवसर पर पालिका प्रमुख हसुभाई राठौड़, ट्रैफिक जमादार रमेश भाई की टीम और TRP जवान भी उपस्थित रहे थे। માર્ગ સલામતી માસ આપણે બોલીશું કારણ કે 1 મહિનાનું આયોજન છે જેથી માર્ગ સલામતી માસ દરમિયાન વિવિધ પ્રોગ્રામો રાખવામાં આવ્યા છે એ અંતર્ગત આજે જે ટ્રાફિકના રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન્સ છે અને અકસ્માત રોજબરોજ થાય છે એક નાની એવી ટ્રાફિક રૂલ્સને ઓબે નહીં કરવાથી પાલન નહીં કરવાથી આજે જે લોકોએ બજારની અંદર આપણે આવ્યા જે લોકોએ ખરેખર હેલ્મેટ પહેરેલું છે એનું આપણે ફૂલ આપીને સન્માન કર્યું છે અને ચોપાનિયા પણ વેચ્યા છે રસ્તામાં સાથે સાથે આપણે કોરોનાને પણ ભૂલી નથી જવાનો જે લોકોએ માસ્ક નહોતું પહેરેલું એમણે આપણે માસ્ક વિતરણ કર્યું છે અને એનો આજના દિવસે દંડ વસૂલ નથી કર્યો અને માસ્ક વિતરણ કર્યો છે જેથી એક એવો સંદેશ જાય કે ખરેખર આપણે માસ્ક પહેરવું જ જોઈએ કે આ લોકો એટલું બધું ટ્રાફિકના રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન માટે કરે છે અને જે લોકોએ હેલ્મેટ પહેરેલું છે એમને આપણે સન્માન કરીને વધુ રોજબરોજ માટે હેલ્મેટ અને સીટ બેલ્ટ બાંધે તે માટે આપણે પ્રોત્સાહિત કર્યા છે।
समाज के गढ़वी युवक की पुलिस कस्टडी में मौत के मामले में वलसाड़ जिला के गढ़वी समाज द्वारा आज जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया था। कच्छ के मुंद्रास समाधोद के गढ़वी युवक को चोरी के मामले में पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी में लेकर टॉर्चर करते 35 वर्षीय गढ़वी युवक अर्जन गढ़वी की मौत हो गई थी। इस घटना अंतर्गत मुंद्रा के 3 हेड कांस्टेबल के खिलाफ हत्या का गुनाह दर्ज हो चुका है। इस मामले में वलसाड़ जिला समाज के आगेवानों ने बैठक आयोजित कर इस समग्र घटना को लेकर आश्रोक के साथ विरोध व्यक्त किया था। वलसाड़ के गढ़वी समाज के आगेवानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ये रजूआत की है कि कस्टोडियल डेथ में 3 आरोपी कांस्टेबलों की फौरन ही गिरफ्तारी हो, साथ ही जिस पुलिस स्टेशन में इस घटना को अंजाम दिया गया है उस पुलिस स्टेशन के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाए और मृतक गढ़वी युवक के परिवार को सरकार द्वारा योग्य सहाय की जाए। साथ ही मृतक के साथ अन्य 2 गढ़वी युवक को भी पुलिस द्वारा मारामारी करने पर उनकी हालत गंभीर हो जाती है, उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है, तो उन्हें भी योग्य न्याय मिले ऐसी मांग की गई है। चोरी ना गुना ना शंका ना आधार 3 गढ़वी युवकों ने पुलिस अटकाई गैरकायदेसर विना FRI अरेस्ट रजिस्टर में आपा वगर के रिमांड मंजूर कराया वगर 8 दिवस गोधी राख्या अने 1 युवान नु ढोर मार मारी मृत्यु निपजायू अने 2 युवानों ने अधमुवा करी नाख्या पुलिसे। बराबर कोईपण जातनी FRI नहीं, कोईपण जातनी अरेस्ट बताया वगर आज मुंद्रा पुलिस स्टेशन अधिकारीए कृत्य करेल छे, तेना बाबत में अमे विरोध दर्शावा कलेक्टरशीने आवेदनपत्र आज रोज आपवा आव्या छे। अमारी मांगो एवी छे के तत्कालीन मुंद्रा पुलिस स्टेशन PI अने PSI ने पण सस्पेन्ड करो अने एने पण 302 गुना में सहआरोपी बनावो एम, अने जे 3 पुलिस कॉन्स्टेबल ने 302 गुनो लाग्यो छे एमनी टीमों बनावी गम्मे त्यांथी गुजरातमांथी धरपकड़ करावो अने एने बरतरफ करो। आ घटना में पुलिसना पुलिस स्टेशनना अन्य स्टाफ जे मौन रिया छे एमने पण जिल्ला ट्रांसफर करी एमने सस्पेन्ड करो एम आवी अमारी, अने मृतक परिवार ने सहाय आपो अने जे 2 मधुमुआ मरण तोड़ल जिला झोला खाय छे ते बन्ने युवानोनो सरकार तमाम खर्चो भोगवे, सारवानो खर्चो भोगवे, एमने पण सहाय आपे एवी अमारी नवसारीथी उमरगाम गढ़वी समाजनी मांगणी छे।